हेलो, कैसे हो आप सभी? अभी तो फिलहाल काफ़ी बिजी बहुत लोग चल रहे होंगे, क्योंकि रमजान आ रहे हैं एंड देन उसके बाद बच्चों की छुट्टी है, गर्मियाँ है, तो बच्चों की डिमांड तो दिन पे दिन बढ़ना ही है। फिर छुट्टियों में घर पे अगर रहना और रमजान में टाइम नहीं मिलता है, तो क्या क्या जल्दी जल्दी बनाए। तो मैंने सोचा कुछ ना ऐसा बनाए जो लास्ट टाइम स्टार्टर जो चाट टाइप का, और ऑल टाइम ये काम बना भी सकते हो घर पे अगर रहेगा सामान। तो बस सिंपल सा, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, सिंपल सिंपल सिंपल। तो बस, तो ये सिंपल से है, ये जो हमारे नलियाँ आप लोग क्या होते हैं फ्रूम्स को, वो लिया मैंने, इसे ऑयल में फ्राई करना है। देन इसे निकाल के ठंडा हो जाए। इसे ठंडा होने के बाद ये देखिए ठंडा हो गया ऑलमोस्ट। तो बस इसका मैंने एक साइड से कट करना है, सिंपल से कट है, ज़्यादा में वो नहीं, आराम से कट हो जाते हैं ऐसे। ये देखिए चक्कू की हेल्प से मैंने प्रॉपर एक कट हो गया, दिख रहा है आपको, ऐसे ही कट करना है। और बहुत जल्दी बन जाते हैं प्लेटर्स, बहुत जल्दी ही प्लेटर्स तैयार हो जाते हैं, चाट वाले बोलो या कोई भी प्लेटर्स, लास्ट टाइम वाले प्लेटर्स तैयार हो जाएंगे, इतने मज़े की ना पूछो। तो इसी तरह ही देखिए, एक मैं आपको और कट करके दिखा रही हूँ। ऐसे एक साइड से कट मारना है, फिर अगेन दूसरे साइड से। ये देखिए प्रॉपर नाइफ जा रहा है, कट हो जा रहा है, दिख रहा है। तो बस इन सबको ऐसे कट कर लेना है। एंड मेरे पास उबले हुए आलू रखे हुए थे, तो मैंने वो लिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ी सी मैं धनिया डाल रही हूँ। अगर आप मिर्ची खाते होंगे मिर्ची भी डाल देना, लेकिन मैं मिर्ची नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ऐसे बड़े मज़े के लगते हैं मैं तो मिर्ची। तो बस, और बच्चों के लिए तो मिर्ची नहीं चाहिए था, तो इसे मैंने बना दिया। तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, और इसमें से अब लेना है थोड़े थोड़े अमाउंट में, इसमें फिल कर देना है। ये देख सकते हैं आप कैसे फिल कर रही हूँ। तो बस इसी तरह जितने भी मैंने फ्रम्स थे वो कट करके इन सब में आलू में फिल कर दे रही हूँ। ईजी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं, और बहुत कम टाइम लगता है, 5 मिनट में बन जाएंगे अगर उबले हुए आलू रखे हुए हैं। और आलू में भी उबले में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट उबल जाते हैं 10 मिनट में, छोटे छोटे पीस करेंगे तो फटाक से 5 मिनट में। तो इसी तरह मैंने इन सबको उबाल फिल कर दिया। अब इसमें मेरे पास रखी हुई थी ग्रीन चटनी, तो बस इसे लगा देने हैं। और साथ में रखे थे इमली की चटनी, खजूर और इमली के, वो भी इसके ऊपर मैं लगा दी। एकदम चाट फ्लेवर भी आ रहा था, बड़े लजीज लग रहे, बड़े स्वादिष्ट लग रहे थे। तो और ये बारीक सी आलू भुजी हुआ सी हुआ था ना, वो डाल के उससे ऐसे हम कोट कर लेंगे। इसी तरह जितने भी मेरे फ्रम्स थे नलियाँ, उसको मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो ये देखिए सिंपल सा, जैसे बोल रही हूँ हर वीडियो में सिंपल सिंपल। इसमें एक साइड हरी चटनी लगानी है, फिर एक बार दूसरी बार मीठी चटनी लगानी, एंड देन आलू भुजिए जो उसे कोट कर लेना है, हो गया सी रेडी। तो बस इसी तरह इन सबको कोट करके मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं गार्निश कर दे रही हूँ थोड़ा सा, हाँ कटे हुए मेरे पास हरी धनिया थे वो डाल दे रही हूँ इसे गार्निश कर। और जो हमने कट करके निकाले थे ना, उसके चूरे इसके ऊपर डाल दे रही हूँ, बड़े मज़े के लगते हैं, क्रंची क्रंची भी, और खाने में बड़े मज़े लग रहे थे। उम्मीद करती हूँ अब जरूर ये लास्ट मिनट वाली रेसिपी ट्राई करेंगे, मुझे बताएंगे अब कैसे लगा है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी तो आपको अच्छी लगी ही होगी, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबाना ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक आते, और आप स्टफिंग दिख ही रहा है कितना मज़े का दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको रेसिपी अच्छी लगी, तब तक के लिए खाओ पियो मज़े को, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।